हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2021 सेशन का एग्जाम आप दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, और जो आपके दिसंबर 2021 सेशन का एग्जाम है उसका एग्जाम फॉरम कब इग्नू के तरफ से रिलीज्ड किया जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके दिसंबर 2021 सेशन का एग्जाम है वो दिसंबर में होगा या फिर नहीं होगा। वीडियो को कम्प्लीट देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप दिसंबर 2021 सेशन में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो पहले हम बैचलर डिग्री प्रोग्राम की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए कि आप बीएजी प्रोग्राम के स्टूडेंट है, बीकॉम जी, बीएससी जी, बीएसडब्ल्यू जी, या फिर अगर आपका बीए का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम हो गया, जैसे कि बीए हिंदी ऑनर्स हो गया, इंग्लिश ऑनर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और आपने फ्रेश एडमिशन जनवरी 2021 सेशन में लिया है तो जो आपका एग्जाम हो दिसंबर 2021 सेशन में लिया जाएगा, यानी कि आप दिसंबर 2021 सेशन में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। और अब बात करते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम की। तो देखिए, अगर आपका मास्टर डिग्री का कोई भी प्रोग्राम है, जैसे कि एमए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, या फिर आपका इनमें से कोई भी प्रोग्राम है जो यहाँ पर मैंने लिखा है, या फिर आपका एमकॉम का प्रोग्राम है, या फिर इसके अलावा मास्टर डिग्री का आपका कोई भी प्रोग्राम है और आपने फ्रेश एडमिशन जनवरी 2021 सेशन में लिया है तो आप दिसंबर 2021 सेशन में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। और अब बात करते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम की। तो देखिए, अगर आपका डिप्लोमा का प्रोग्राम है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का प्रोग्राम है और आपने फ्रेश एडमिशन जनवरी 2021 सेशन में लिया है तो आप जो है दिसंबर 2021 सेशन में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ डिप्लोमा के प्रोग्राम कोड भी आपको लिख करके दिखा दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अब बात करते हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम की। तो देखिए, अगर आपने जुलाई 2021 सेशन में, ध्यान रखिए, अगर आपने जुलाई 2021 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है किसी भी 6 महीने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम में, या फिर अगर आपका कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम हो गया बीसीए या फिर एमसीए हो गया, या फिर आपका सर्टिफिकेट का जो प्रोग्राम है 6 महीने का सर्टिफिकेट का प्रोग्राम, जैसे कि सीएलआईएस हो गया, सीडीएम हो गया, सीएफएन हो गया, या फिर सीटीएस हो गया, तो जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर 2021 सेशन में लिया जाएगा, यानी कि आप दिसंबर 2021 सेशन में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट है और आपने अपना री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर के लिए या फिर थर्ड ईयर के लिए जनवरी 2021 सेशन में किया है तो आप जो है दिसंबर 2021 सेशन में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। बैचलर डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो जैसे कि बीए हो गया, बीकॉम जी हो गया, बीएससी जी हो गया, बीएजी हो गया, या फिर बीए का आपका कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम हो गया जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको लिख करके दिखाया है, इनमें से कोई प्रोग्राम है या फिर इसके अलावा और भी बहुत से प्रोग्राम है बैचलर डिग्री का है तो आप भी दिसंबर 2021 सेशन में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट है और आपने अपना सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखें सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 सेशन में किया है तो आप भी दिसंबर 2021 सेशन में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने आपको यहाँ पर कुछ प्रोग्राम कोड लिख करके भी दिखा दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इनमें से कोई प्रोग्राम है या फिर मास्टर डिग्री का और भी कोई प्रोग्राम है आपका तो आप जो है दिसंबर 2021 सेशन में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे कि आप बीसीए या फिर एमसीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है और आपने अपना नेक्स्ट सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2021 में करवाया है तो आप दिसंबर 2021 सेशन में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा अगर आपने जून 2021 सेशन में एग्जाम दिया है और आप किन्हीं कारणों की वजह से किसी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, यानी कि किसी सब्जेक्ट में आपका बैक आया है या फिर आप फेल हो गए हैं तो आप जो है दिसंबर 2021 सेशन में फिर से एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका बैक आया है उस सब्जेक्ट का आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं दिसंबर 2021 सेशन में, जिसके लिए आपको दोबारा से एग्जामिनेशन फीस सबमिट करना होगा और आप दिसंबर 2021 सेशन में एग्जाम दे सकते हैं। और अब बात करते हैं कि जो भी जुलाई 2020 सेशन के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है उनका क्या होगा। तो आपके लिए 9 जुलाई को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें आपको ये चीजें बताया गया है। सबसे पहले तो जैसे कि बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी, यानी कि सीबीसीएस वाला जो प्रोग्राम है उसके बारे में आपको बताया गया है कि जो आपका एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है और आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर 2021 सेशन में लिया जाएगा। और इसके यहाँ पर आपको 5 नंबर पॉइंट में ये भी बताया गया है कि जो भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, और जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, जिनके एग्जाम जून 2021 सेशन में होने थे पर नहीं हो पाए, तो आपको बताया गया है कि जो आपका
का एग्जाम है दिसंबर 2021 सेशन में लिया जाएगा, जिसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। अब जो अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें आपको एग्जाम के बारे में बताया जाएगा या फिर आपको प्रमोशन दिया जाएगा, इसका अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है, पर ज्यादातर चांस तो यही है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर बाय चांस अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलता है तो आपका भी जो एग्जाम है वो दिसंबर 2021 सेशन में लिया जाएगा। अब देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको क्या बताया जाता है, आपको प्रमोशन दिया जाता है या फिर आपका एग्जाम लिया जाता है। और अब बात करते हैं एग्जाम फॉर्म के बारे में कि दिसंबर 2021 सेशन के लिए जो एग्जाम फॉर्म है वो कब रिलीज किया जाएगा। तो देखिए इग्नू में जो एग्जाम है वो दो सेशन में लिए जाते हैं, एक जून सेशन में और एक दिसंबर सेशन में। और नॉर्मली जून टर्म एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो आमतौर पर जो है अप्रैल में रिलीज किया जाता है, और दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन का जो एग्जाम फॉर्म है वो अक्टूबर में रिलीज कर दिया जाता है। बात करते हैं कि दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म कब रिलीज किया जाएगा। तो देखिये जहां तक मैंने पता किया है और जहां तक मुझे पता चला है तो दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए जो आपका एग्जाम फॉर्म है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आना मुश्किल है, यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका जो एग्जाम फॉर्म है दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए वो नहीं आ पाएगा। और जहां तक मुझे पता चला है दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए जो आपका एग्जाम फॉर्म है वो अक्टूबर के सेकेंड वीक या फिर थर्ड वीक में रिलीज किया जा सकता है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। बाकी जैसा भी होगा आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया जाएगा, और आपको एग्जाम फीस जो है ऑनलाइन सबमिट करना होगा और पर सब्जेक्ट का जो है आपको एग्जाम फीस 200 रुपए देना होगा। पहले एग्जाम फीस जो है 150 रुपए निर्धारित किया गया था, पर अब इस चीज को बढ़ा दिया गया है, अब आपको पर सब्जेक्ट का एग्जाम फीस 200 रुपए देना होगा। और अब बात करते हैं कि जो आपके दिसंबर 2021 सेशन का एग्जाम होगा ये एग्जाम कब लिए जा सकते हैं। तो देखिए जो आपके दिसंबर 2021 सेशन का एग्जाम है वो बिल्कुल ही दिसंबर में हो पाना मुश्किल है, इसके यहाँ पर दो कारण बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अभी जो इग्नू की तरफ से एडमिशन स्टार्ट है जुलाई 2021 सेशन का, तो एडमिशन यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर तक तो एडमिशन ही होंगे, तो ऐसे में जो सेमेस्टर बेस प्रोग्राम है जो स्टूडेंट सेमेस्टर बेस प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एडमिशन लेने के दो महीने बाद आपको या फिर तीन महीने बाद आपको ये बोला जाए कि अब आप एग्जाम दीजिए। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट है जो जुलाई 2021 सेशन में सेमेस्टर बेस प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे तो पहले तो उनको असाइनमेंट बनाने का समय दिया जाएगा, एडमिशन कन्फर्म होगा, एडमिशन कन्फर्म होने में भी टाइम लगता है, उसके बाद स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। और ऐसा भी है नहीं कि स्टडी मटेरियल आपको आज मिले और आपको दो महीने बाद या फिर एक महीने बाद आपको ये बोला जाए कि आप एग्जाम दीजिए। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट है जो 11 अक्टूबर तक एडमिशन लेंगे तो उन्हें पढ़ने के लिए भी समय दिया जाएगा, उनका स्टडी मटेरियल मिलेगा, एडमिशन कंफर्म होने में भी टाइम लगेगा। तो ऐसे में जो आपका एग्जाम है वो बिल्कुल ही दिसंबर में हो पाना बहुत ही मुश्किल है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर अभी सिचुएशन ही ऐसा बन रहा है कि जो आपका एग्जाम है वो बिल्कुल ही दिसंबर में स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर एक और रीजन है, जैसा कि आपको पता होगा जून 2021 सेशन का एग्जाम है वो कितना लेट हुआ है, और ऐसे में जो आपका एग्जाम है अगस्त और सितंबर में लिए गए हैं, 9 सितंबर तक तो आपका एग्जाम ही हुआ है, और अभी तक जो है एग्जाम का रिजल्ट भी पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी तक जो है सभी स्टूडेंट का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी तो आपका एग्जाम ही हुआ है जून 2021 सेशन का जो कि बहुत ही लेट हुआ है, तो ऐसे में आपको ऐसा भी नहीं बताया जा सकता है कि आप तीन या फिर चार महीने बाद फिर से एग्जाम दीजिए। तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अभी यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आपका दिसंबर 2021 सेशन का एग्जाम है वो दिसंबर में ना होकर के जनवरी या फिर फरवरी में लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी सिचुएशन ही ऐसा बन रहा है कि जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर 2021 सेशन का वो दिसंबर में ना होकर के जनवरी या फिर फरवरी में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और बाकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें भी बदलाव हो सकती है, जैसा भी होगा आपको इग्नू के तरफ से बताया जाएगा। और अब बात करते हैं कि दिसंबर 2021 सेशन में इग्नू के ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखिए अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट है या फिर मास्टर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट है, आपका प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है, ध्यान रखिए अगर आपका प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है, आपने फ्रेश एडमिशन जुलाई 2021 सेशन में लिया है, तो अभी जो है आप दिसंबर 2021 सेशन में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर आप
आपका BTS प्रोग्राम हो गया, BAG, BCOM जी, BSc जी, या फिर BA का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम हो गया, या फिर मास्टर डिग्री का प्रोग्राम हो गया, जैसे कि MA हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, या फिर MCOM, तो आपका जो एग्जाम है वो जून 2022 सेशन में लिया जाएगा। और जिनका भी एडमिशन जुलाई 2021 में हुआ है उनके लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें आपको और भी डिटेल में अच्छे से पता चल जाएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दिसंबर 2021 ट्रम एंड एग्जामिनेशन के बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।